आए, कहे कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर जम जाए, उन पर फरिश्तों का नुजूल होता है। न कोई गम करो न खौफ, खुशियां मनाओ जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह की रबूबियत पर इत्मीनान जब इंसान को हो जाता है, मेरा रब अल्लाह है, रब्बी अल्लाह, इंसान के लिए न कोई खटका न कोई खतरा न कोई खौफ न कोई हुजूर। जो कुछ हो रहा है किसके इज्म से हो रहा है? अल्लाह के इज्म से। अल्लाह के इज्म के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। ये कोई अंधा बहरा मादा नहीं है जिससे मुझे कोई खौफ हो। अंधा भैंसा चला आ रहा हो उससे तो डरने का हर इंसान को डरना चाहिए, ना मालूम किसको टक्कर मार दे। लेकिन नहीं, इस कायनात को चलाने वाला एक समी व बसीर खुदा है, वो जो मेरा दोस्त है, मेरा वली है। अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह अहले ईमान का वली है, साथी है, पुश्त पना है, मददगार है, हिमायती है। बताइए जिसे यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा मददगार, अल्लाह मेरा मुहाफिज, अल्लाह मेरा पुश्त पना, अल्लाह मेरा हिमायती, उसके लिए कोई खौफ होगा? उसे कोई डर होगा? मैं मिसाल दिया करता हूं, एक बहुत सादा पंजाब के देहात की। तो बड़ा चौधरी है और कोई गरीब किसान है, उस गरीब किसान की के जानवरों को हर वक्त अंदेशा होगा चोरी का, कोई मेरी भैंस खोल कर ना ले जाए, कोई मेरा बैल खोल कर ना ले जाए। लेकिन जिसके बारे में ये सबको मालूम हो कि वो जो बड़ा चौधरी है वो इसका दोस्त है, उसकी बछिया को कोई खौफ होगा? उसकी भैंस पर कोई हाथ डालेगा? उसे कोई अंदेशा होगा? नहीं। क्यों? कि वो बड़ा चौधरी, बड़ा इसका यहां का सरदार जागीरदार, सबको मालूम है वो मेरा दोस्त है, कोई मेरे खिलाफ इकदाम नहीं कर सकता। इस दुनिया में ये छोटी सी बात अगर आपके दिली इत्मीनान और सुकून का बाइस बन सकती है तो जरा तसव्वुर कीजिए। मैं लफ्ज तसव्वुर इस्तेमाल करूंगा सिर्फ इसलिए कि इसका हम जिसको कहते हैं इदराक और शऊर कर नहीं सकते, अगर के साथ कर सकते। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ, किसका खौफ? कोई शय अल्लाह से बालातर है? कोई कुव्वत उससे ज्यादा ताकतवर है? कोई उसके इरादे को बदलने वाला है? कोई उसकी मशीयत के आड़े आने वाला है? यही बात है जो हुजूर ने फरमाई, ये ईमान का हासिल है लुबे लुबाब। कि देखो अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लो, अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा सकते, मगर वो शायद जो अल्लाह ने तय कर दी। आप फिर मैं कहूंगा जरा तारी कीजिए, इसे फर्ज कीजिए, इसे सोचिए। अगर इस हदीस पर हमारा दिल ठुका हुआ हो तो किसी से डर होगा? ये मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, ये मेरी रिपोर्ट खराब ना कर दे, ये मेरी इंक्रीमेंट ना रुकवा दे, ये मेरा ये ना बिगाड़ दे, ये मेरे ये नुकसान ना पहुंचा दे, इसका डर, उसका डर, इसका खौफ, उसकी खुशामद, उसके लिए जाकर तरह तरह से अपनी इज्जत नफ्स को जलील करवाना उसके सामने, ये सब कुछ क्यों करता है इंसान? जब समझता है कि इसके हाथ में मेरा कोई नफा है, इसके हाथ में मेरे लिए कोई जरर है, ये मुझे कोई गजब पहुंचा सकता है, ये मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, ये मेरा कोई काम बना सकता है, ये मेरी कोई जरूरत पूरी कर सकता है, इसी का नाम शिर्क है। जहां आपने ये समझा कि गैरुल्लाह के अंदर कोई ताकत मौजूद है, वही शिर्क है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? शिर्क तो ये है। जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है, कलमा है ये कलमा सोम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए इस पर, कोई ताकत नहीं। यही बात थी
जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। ग्यारहवीं देने वाले हैं लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग हैं तुम जानते हो? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे हैं? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ऐ मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ऐ मेरे बच्चे, इस हकीकत को जहन नशीन कर ले, ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइले हकीकी है न मुअस्सिरे हकीकी है सिवाय अल्लाह। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह ना चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे। पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे। जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे। कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबी साई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन सर पर जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइला फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है। प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज्न से। खाना भूख मिटा देता है। भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज्न रब में। देखिए, यही यकीन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। वाकया याद कीजिए, सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे कि गर्दो गुबार का तूफान है। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए, और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा? ऐ मूसा इन्ना ला मुद्रकून, ऐ मूसा हम पकड़े गए। कुरान मजीद में तो यहां वो बातें नहीं लिखी है लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तों करीमान हो गए मूसा के साथ। मूसा ने यहां मरवाया लाकर, इससे तो हम ही बेहतर थे। वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना ला मुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है? कल्ला इन्ना मअया रब्बी सयहदीन, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है? ये है ईमान बिल गैब। रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है। जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है तो ईमान किस पर हुआ? पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलों जराए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था? कोई रास्ता था? समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना मअया रब्बी सयहदीन। अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम एना माकुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए।